जिहाद के नाम पे। सीमा इधर पे तो भरोसा था ही नहीं और अब अंजू पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रह कर आई है। वहाँ से क्या एजेंडा चल रहा होगा इस देश के खिलाफ, यहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और आने वाले टाइम पे इस देश में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाने वाला है जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके ऊपर कुछ भी हमला करवा सकती है। ये देश नहीं, ये धर्मशाला हो गया है। जब मन करता है जिसका यहाँ आ जाता है, जब मन करता है यहाँ से चला जाता है, वो भी उस देश में जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन प्यार के लिए आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? मोहब्बत मोहब्बत नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आजकल की जनरेशन का दिमाग है प्यार नाम की बीमारी ने बहुत खराब कर रखा है, स्पेशली लड़कियों को टारगेट करना जैसे अंजू को किया गया, क्योंकि हलाला वगैरह पाकिस्तान में तो नॉर्मल सी चीज है, कौन सी बड़ी बात है वहाँ पे। मोहब्बत के साथ तो ऐसे मत करिए। ऐसा कैसा प्रेम है सर जो पाकिस्तान में जाके हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है? भिखारी देश में जाके कैसे प्यार हो रहा है लोगों, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मोहब्बत सात समंदर पारी नहीं, ये देखिए मोहब्बत प्यार जो ये सब होता था ना, ये हमारे त्रेता युग द्वापर युग में होता था, जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी की नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी प्रेम को कैसे निभाना चाहिए हमारे देवी देवता हमें सिखा के गए थे। इनकी तरह नहीं कि आज इससे शादी कर ली, फिर कल दूसरी बीवी से कर ली, फिर तीसरी से, फिर चौथी से, ऐसा हमारे में नहीं होता है। ये अटैचमेंट के थ्रू जो ये लोग खेल रहे हैं ना आपस में फीलिंग्स के साथ में, और दो देशों की जो मतलब एक मर्यादा है उसके साथ में भी खेल रहे हैं ये। अभी कल को सीमा इधर का मन भर जाएगा तो वो भी वहाँ चली जाएंगी। अभी मानिए भौजी आप, मेरी नहीं हो सकती कभी, मैं उन्हें नहीं मान सकती, क्योंकि जो मतलब पहले पति के साथ में रिश्ता ना निभा पाई हो, वो दूसरे पति से कैसे रिश्ता निभाएगी? हम अंजू की बात देखें तो ये अपने पहले पति से यहाँ नहीं रिश्ता निभा पाई, पाकिस्तान में जाके वहाँ पे नसरुल्ला के साथ में रही और आज वापस आ गई है, वो भी अकेले, पति क्यों नहीं आए फिर इनके? वो वहाँ बैठे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, और जिसको एग्जीक्यूट यहाँ पर अंजू करने वाली हो शायद, ऐसे नहीं नसरुल्ला से। आतंकवादी देश के लोगों से आपको कैसे प्यार हो सकता है? पाकिस्तान को अगर नसरुल्ला सपोर्ट करना छोड़ दे तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब आप चाहती है नसरुल्ला हिंदू धर्म बिल्कुल परिवर्तित हो, क्यों ना हो? बात बताइए, आजकल ये जो दो देशों में बीवियों का एक्सचेंज चल रहा है, ये एक अलग प्रकार का ट्रेड बन गया है। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि सोशल मीडिया का मतलब बनाया इसीलिए गया था ताकि उसका लोग सही इस्तेमाल करें, लेकिन सोशल मीडिया का मतलब जनरेशन ने इतना गलत इस्तेमाल कर लिया कि उनके पैर आज इतने भटक गए हैं कि वो सही गलत में अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और आज उसी सोशल मीडिया के थ्रू ISIS, अलकायदा जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हमास जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काफी देशों के खिलाफ बहुत कुछ प्लानिंग कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान से अंजू उर्फ फातिमा की वापसी को लेकर के पूरे देश भर में चर्चे हैं। यहाँ से पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर का यहाँ पर आना और उसके बाद अंजू का पाकिस्तान जाना, ये दोनों ही केस इतने ज्यादा अटपटे हैं जिसे देख करके पूरा हिंदुस्तान इस वक्त प्रश्नवाचक चिन्ह में है। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ जुड़ी हुई है मेघा जी। मेघा जी, आपने आखिरी बार जब अंजू को लेकर के बातें कही थी, अब अंजू तो वापस हिंदुस्तान लौट आई है, पहले तो आपने कहा था नहीं लौटना चाहिए, अब लौट आई है तो क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैडम जी वीजा पर गई थी, अब वापस आ गई है तो खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, वीजा खत्म हो गया तो। बट एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये देश नहीं, ये धर्मशाला हो गया है। जब मन करता है जिसका यहाँ आ जाता है, जब मन करता है यहाँ से चला जाता है। अच्छा। सबसे पहला सवाल तो सिक्योरिटी सिस्टम पे ये हो क्या रहा है? कोई भी इस देश में आ रहा है, कोई भी इस देश से जा रहा है, वो भी उस देश में जो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन प्यार के लिए आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? मोहब्बत मोहब्बत नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आजकल की जनरेशन का दिमाग है प्यार नाम की बीमारी ने बहुत खराब कर रखा है। हो क्या जाता है, प्यार के नाम पे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इस देश से उस देश में चले जाते हैं, किसी का खून करने को भी तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम कत्ल भी करने को तैयार हो जाते हैं जिहाद के नाम पे। ये चीज जो आजकल चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, जो लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं पहले, और प्यार के नाम पे इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना, स्पेशली लड़कियों को टारगेट करना जैसे अंजू को किया गया, वो तो खैर उसकी भी गलती है कहीं ना कहीं कि वो अपने बच्चों को भी छोड़ के गई, बट इस तरीके से टारगेट होना सबसे बड़ी गलती है। आपने बच्चों का नाम लिया, बच्चे तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो अब माँ मेरी मर चुकी है, ठीक है, लेकिन वो कह रही है कि अब मैं बच्चों के लिए ही वापस आई हूँ, मुझे मिलने दो। नहीं, बच्चों की याद तब क्यों नहीं आई थी जब वो छोड़ के जा रही थी? मिलने आ गई, क्या दिक्कत? अरे तो तब बच्चे याद क्यों नहीं आए जब छोड़ के जा रही थी? माँ को आप बच्चे से मिलने मना करेंगे? नहीं नहीं, सीमा हैदर भी तो अपने बच्चों को लेके आई थी ना सर। सीमा हैदर ने आई यहाँ पे, गलती करी उसने, लेकिन वो भी अपने बच्चों को तो लेकर आई ना। कहते हैं पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन हमने ये चीज लाइव देखी है पिछले 6 महीनों में कि अंजू ने किस तरीके से अपने बच्चों को धोखा दिया है। पति को तो धोखा दिया ही दिया, सबसे बड़ा धोखा अपने बच्चों को दिया। बच्चे एक बार को वो जो जख्म उन्होंने दिया वो चीज भूल भी चुके थे, उनके दिमाग से वो चीज निकल भी गई थी, लेकिन इस तरीके से जो वापस आके उन्होंने वो हल्का सा जो जख्म भरा था उसको दोबारा कुरेदा है ना सर, ये बहुत गलत किया है अंजू ने।
एक सबसे पहली चीज़ तो इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, और अगर एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो पहले इनकी पूरी सिक्योरिटी तरीके से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, कहीं कोई इनके अगेंस्ट मतलब इनके थ्रू आईएसआईएस या फिर पाकिस्तान कोई दोबारा कोई रंजिश तो नहीं रच रहा। कहना है कि अंजू एक आतंकवादी बन के लौटी, बिल्कुल हो सकता है। राजीव गांधी को मारने के लिए भी एक ऐसे ही फातिमा बुरखा पहनकर आई थी सर, ऐसी ही फातिमा बुरखा पहनकर आई थी राजीव गांधी को मारने के लिए, तो फिर हम कैसे इस दोबारा फातिमा पे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा। बिल्कुल इस पे सीमा इधर पे तो भरोसा था ही नहीं, और अब अंजू पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहकर आई है, वहाँ से क्या एजेंडा चल रहा होगा इस देश के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ, यहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और आने वाले टाइम पे इस देश में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाने वाला है जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके ऊपर कुछ भी हमला करवा सकती है ये, या फिर वहाँ से कुछ भी, चाहे इनके मन से ना, इन्होंने अपने मन से ना किया हो, जबरदस्ती करवाया जा रहा हो, लेकिन पूरी सिक्योरिटी जांच इनके अगेंस्ट होनी चाहिए। आपने जख्मों की बात की, जब अंजू एयरपोर्ट पर आखिरी बार देखी गई, फातिमा जब एयरपोर्ट पर देखी गई तो उनके गर्दन पे बहुत तरीके के निशान थे, उसको लेकर के जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहूंगी, और वो भागने लगी, इसको लेकर के क्या? देखिए इस पे सबसे पहली चीज मैं यही कहना चाहूंगी, आपने एक बार आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी आपने कहा भी था कि उनके साथ जिहाद भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, और क्या पता हुआ भी हो वहाँ पे, क्योंकि हलाला वगैरह पाकिस्तान में तो नॉर्मल सी चीज है, कौन सी बड़ी बात है वहाँ पे, बट ये जो कुछ लोगों की प्राइवेसी भी होती है, बट एक बार प्राइवेसी को साइड में रख के भी देखे तो देखा जाए वो जितने भी निशान उन पे देखे गए हैं वो टॉर्चर के अलावा और किसी चीज के तो लगते नहीं है सर। तो अंजू टॉर्चर क्या प्रेम की निशानियां भी हो? नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा सर। प्रेम की निशानी क्या उनको अपने पति से यहाँ नहीं मिली होंगी जो वो वहाँ पाकिस्तान चली गई थी, फिर ऐसा कैसा प्रेम है सर जो पाकिस्तान में जाके हो सकता है हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, भिखारी देश में जाके कैसे प्यार हो रहा है लोगों को, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है सबसे पहले। और ये जो निशान उनके पास में है, मैं यही कहना चाहूंगी हो ना हो कहीं ना कहीं उनके साथ में फिजिकली टॉर्चर भी किया गया है, उनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया है 6 महीनों में, उनका यूज तो किया ही गया है 6 महीनों में। एक बात बताइए, आप आमतौर पर घर वापसी की इतनी बातें करती है, अब घर वापसी हो गई है तो स्वागत कर दीजिए, मान लीजिए बहू ले आइए वापस। घर वापसी देखिए, सबसे पहले वो हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन बनी, फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब ऐसे थोड़ी ना घर वापसी होती है सर। जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं वो अगर दोबारा सनातन कबूल करना चाहें जैसे कि सीमा हैदर ने किया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसे कहते हैं घर वापसी। इन्होंने तो खेल समझ लिया है, शादी को भी गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया है, कभी हिंदुस्तान में कर लेती हैं, कभी पाकिस्तान में निकाह पढ़ लेती हैं, ये क्या हो मतलब कल्चर की तो इन्होंने मतलब प्यार के साथ गलत कर रही है भाई, प्यार प्यार है, मोहब्बत के साथ तो ऐसे मत करिए, मोहब्बत सात समंदर पार ही नहीं। ये देखिए मोहब्बत प्यार जो ये सब होता था ना, ये हमारे त्रेता युग द्वापर युग में होता था, जो श्री राम ने माता सीता से करी थी, जो श्री कृष्ण ने राधा रानी से करी थी, वो प्रेम वो जो गुलाम हैदर आज सीमा हैदर नहीं 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 जो आज होता है ना सर, इन्हें तो सिर्फ खेल कहते हैं, ये अटैचमेंट के थ्रू जो ये लोग खेल रहे हैं ना आपस में फीलिंग्स के साथ में, और दो देशों की जो मतलब एक मर्यादा है उसके साथ में भी खेल रहे हैं ये दोनों देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में इतने कट्टर दुश्मन है जितना यूएसए और रशिया एक दूसरे के नहीं है, उसके बावजूद ये आपस में जो यहाँ से वहाँ जाना वहाँ से यहाँ आना, अभी कल को सीमा हैदर का मन भर जाएगा तो वो भी वहाँ चली जाएंगी, मैं तो आज तक उन्हें सीमा मीना भी नहीं कहती हूँ, मेरे लिए वो सीमा हैदर ही रहेंगी हमेशा। अच्छा। जी सीमा मीना ऐसे मत बोलिए, ये फातिमा है तो वो भी सीमा मीना है भाई, ये फातिमा बन चुकी है हमारे लिए, हमने इनका और ये भी सीमा मीना बन चुकी। नहीं 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 भाभी मानिए भौजी है आप, मेरी मेरी नहीं हो सकती कभी, मैं उन्हें नहीं मान सकती, क्योंकि जो मतलब पहले पति के साथ में रिश्ता ना निभा पाई हो वो दूसरे पति से कैसे रिश्ता निभाएगी। खैर सीमा हैदर की बात को एक बार हम साइड भी रखते हैं, हम अंजू की बात देखें तो ये अपने पहले पति से यहाँ नहीं रिश्ता निभा पाई, इस देश के अंदर यहाँ की मर्यादा यहाँ का कल्चर उसको नहीं निभा पाई, यहाँ पे पाकिस्तान में जाके वहाँ पे नसरुल्ला के साथ में रही और आज वापस आ गई है, वो भी अकेले, पति क्यों नहीं आए फिर, इनके पति कहाँ रह गए इनके पीछे वही पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ तो जो तोहफे में जमीन दी थी उस पे कुछ उगा रहा होगा। नहीं 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 देखिए सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो वहाँ बैठे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, और जिसको एग्जीक्यूट यहाँ पर अंजू करने वाली हो शायद, इसीलिए था कि मैं 2 हफ्ते बाद ही वापिस आ जाऊंगी, लेकिन आज 6 महीने बाद अंजू की वापसी क्या कहते हैं? वही तो सर मैं वही कह रही हूँ, कुछ ना कुछ तो 6 महीने में प्लानिंग हुई है इस देश के खिलाफ जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए आज अंजू वापस यहाँ पर आई है। बच्चों से मिलना तो सर सिर्फ बहाना है, क्योंकि अगर बच्चों से प्रेम होता तो वो छोड़ के ही नहीं जाती, जो बच्चों से मिलने का ये आज बहाना मार रही है कि मैं बच्चों से मिलने के लिए आई हूँ, अपने घर वालों से मिलने के लिए आई हूँ, माता पिता से भी मिलूंगी बाद में, तो ये सब बहाना है, कुछ ना कुछ तो दाल में जरूर काला है जिसे पूरा करने के लिए ये भारत में आई है। मतलब आपका कहना है कि अंजू एक आतंकवादी बन करके लौट, बिल्कुल हो सकता है, मैं वही तो कह रही हूँ सर, हो सकता है मत बोल, नहीं नहीं हो भी सकता है, अंजू से डर मुझे क्यों डर, डर रहे नहीं नहीं डर डर लगेगा, सुनिए सर पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन देश,
अगर इन्होंने अपने मन से कुछ भी ना किया हो, जबरदस्ती भी तो इन्हें वहाँ से मतलब आतंकी बना के भेजा जा सकता है ना। पाकिस्तान दिक्कत है, आप लोग प्यार को आतंकवाद से तोल रहे हैं। अरे दुश्मन देश से कैसे प्यार हो सकता है सर? ऐसे नहीं, नसरुल्ला से। आतंकवादी देश के लोगों से आपको कैसे प्यार हो सकता है? पाकिस्तान को अगर नसरुल्ला सपोर्ट करना छोड़ दे तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब आप चाहती है नसरुल्ला हिंदू धर्म बिल्कुल परिवर्तित हो? क्यों ना हो। अच्छा। क्यों ना हो? आप एक बात बताइए, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, आप उसका टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग जब पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं तब तो यहाँ के लोग बड़ा बोलते हैं कि पैलेस्टीन भी एक टेररिस्ट कंट्री है, हमास को जन्म दे रखा है उन्होंने, फिर पाकिस्तान के लोगों को यहाँ के लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा। पाकिस्तान आज जब अंजू वहाँ पे गई है, फातिमा वहाँ पर गई, उन्होंने वहाँ पे इस्लाम कबूल करा, वहाँ पे निकाह भी पढ़ लिया, हिजाब पहनकर भी वहाँ पर घूम रही हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट शूट हो गया। बिल्कुल पाकिस्तान को वहाँ पे सपोर्ट भी कर रही हैं, वहाँ की वादियों में भी घूम रही हैं, तो फिर क्यों कह रही है कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती है, वापस हिंदुस्तान आ गई हूँ? नसरुल्ला भी यहाँ पर आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद। ये क्या क्या मतलब क्या खेल चला रखा है इन्होंने? जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? या हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ है या पाकिस्तान की जनता बेवकूफ़ है? एक बात बताइए, आजकल ये जो दो देशों में बीवियों का एक्सचेंज चल रहा है, ये एक अलग प्रकार का ट्रेड बन गया है, चाहे वहाँ से यहाँ से अंजू जाए या फिर वहाँ से सीमा हैदर लौट करके आए, ये बीवियों के ट्रेड पे आप क्या कहेंगे? मैं केवल इतना ही कहूँगी कि सोशल मीडिया का मतलब बनाया इसीलिए गया था ताकि उसका लोग सही इस्तेमाल करें, लेकिन सोशल मीडिया का मतलब जनरेशन ने इतना गलत इस्तेमाल कर लिया कि उनके पैर आज इतने भटक गए हैं कि वो सही गलत में अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और आज उसी सोशल मीडिया के थ्रू ISIS, अलकायदा जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हमास जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी देशों के खिलाफ बहुत कुछ प्लानिंग कर रही है, और काफ़ी मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो उसे एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर। आपने तो ये सब कह दिया, लेकिन वहाँ के लोग चिल्ला करके कह रहे हैं कि प्यार की परिभाषा आज के समय पे अंजू ही है और कोई नहीं है, असली प्यार तो इसी को। नहीं, मैं कहना चाहूँगी, आप ही बता दीजिए प्यार की परिभाषा। प्यार की परिभाषा देखनी है तो जाइए श्रीलंका में और जो राम सेतु बना है हमारा उसे देखिए। प्रेम की परिभाषा यदि आपको देखनी है तो वृंदावन में प्रेम मंदिर देख कर आइए। आपको पता नहीं है, इन्होंने सिर्फ वो मोहब्बत और इश्क पढ़ा है ना सर, इन्हें पता नहीं है क्या होता मोहब्बत और इश्क क्या होता है। प्रेम सीखिए, प्रेम का अर्थ क्या होता है वो हमारे द्वापर युग में श्री कृष्ण सिखा के गए थे। अच्छा। अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती, थोड़े से हमारे ग्रंथ पढ़ लेते तो पता चल जाता इन्हें प्रेम क्या होता है। फिर प्रेम की असली परिभाषा यही है। बिल्कुल अंजू ही नहीं, नहीं अंजू नहीं है, सीमा है। नहीं बिल्कुल नहीं है, दोनों ही नहीं है। प्रेम की असली परिभाषा हमारे श्री कृष्ण है, श्री राम है, जो हमें सिखा के गए हैं कि एक अपने मतलब अपनी पति से कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी पत्नी से कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, यदि शादी ना भी हो जैसे श्री कृष्ण और राधा रानी की नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी प्रेम को कैसे निभाना चाहिए, ये हमारे भगवान हमारे देवी देवता हमें सिखा के गए थे। इनकी तरह नहीं कि आज इससे शादी कर ली, फिर कल दूसरी बीवी से कर ली, फिर तीसरी से, फिर चौथी से, ऐसा हमारे में नहीं होता है।